अपनी दिल्ली सबकी दिल्ली। जीवन सागर सेवा समिति रजिस्टर्ड सेक्टर 24 के तत्वाधान में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन 19 सितंबर से 28 सितंबर तक डीडे ग्राउंड नियर बाबोसा मंदिर पॉकेट 13 सेक्टर 24 रोहिणी में किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा का गुणगान अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त परम पूज्य दीदी प्राची देवी जबलपुर द्वारा किया जा रहा है, जिसको सुनने के लिए हजारों की संख्या में भक्तगण उपस्थित हो रहे हैं। भागवत की दशमी भक्ति कहा गया, कपिल देव जी ने ज्ञान का उपदेश दिया, अष्टांग योग की शिक्षा दी, अष्टांग योग बताया, बड़ा सुंदर ज्ञान का उपदेश श्री कपिल देव जी महाराज माता देवभूति को प्रदान करते हैं। दर्शन भक्ति के विषय में कहते हैं कि माँ, ये दर्शन भक्ति ऐसी होती है कि ये यदि जीवन में आ जाए तो नौ भक्तियों के आने की जरूरत नहीं। तो कहा कि भगवान की दसवीं भक्ति में, अर्थात ये जो वेदों की दर्शन भक्ति जिसे भागवत की दसवीं भक्ति कहा गया, इस दर्शन भक्ति में करना क्या है? कहा करना कुछ नहीं है, बस भगवान को निहारना है। और ये तो ऐसी भक्ति है कि कभी मन ना हो भक्ति करने का फिर भी भक्ति बन जाती है। कहा बिना मन के भक्ति कैसे संभव है? भक्ति के लिए तो मन का होना और मन में भाव का होना जरूरी है। कहा पर ये भक्ति ऐसी है कि कभी कभी बिना भाव के बिना मन के भी बन जाती है। कैसे? जैसे कभी भक्ति करने का मन नहीं करता, हमेशा एक समय नहीं होता, तो जब कभी भक्ति करने का मन नहीं होता और ऐसे समय में अचानक राधा गोविंद के किसी सुंदर दिव्य प्रतिबिंब पर, किसी सुंदर चित्र पर, किसी सुंदर प्रतिमा पर जब हमारे नेत्र पड़ते हैं, ना चाहते हुए मन देखने में लग जाता है। क्या देखता है? इनके वस्त्र कितने सुंदर हैं, किसने बनाए इतने सुंदर वस्त्र। मैं सतीश गुप्ता, प्रधान जीवन सागर सेवा समिति। ये पांचवा वर्ष है लगातार जब हम पितृ पक्ष में कथा का आयोजन करते हैं। ये प्रेरणा हमारे पूज्य अंकल जी स्वर्गीय श्री नरेश बंसल जी ने दी थी और जब से ये चलती ही आ रही है, और परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना, ये चलती रहे। पितृ पक्ष में सेक्टर 24 बाबोसा प्रांगण के बीच में ये कथा हो रही है, और इसी तरह से ये ज्ञान वर्षा इसी तरह से होती रहे और लोगों को इसका लाभ मिले, यही आशा करते हैं और यही कामना करते हैं। आप बहुत लोग सहयोग करते हैं इस कथा को कराने में, उन सभी का धन्यवाद करता हूं। जय श्री राधे। श्याम मोहन अग्रवाल, जीवन सागर सेवा समिति पिछले 8 वर्षों से सेक्टर 24 में समाज के बीच में सेवा भाव रखकर कार्य कर रही है। गरीबों के लिए पिछले 8 वर्षों से हर अमावस्या को 4 से 5 हज़ार व्यक्तियों के लिए भंडारा लगाती है। उसके अलावा एक फिजियोथेरेपी सेंटर चला रही है, और पिछले 5 वर्ष से हम लोग राम कथा और भागवत कथा कर रहे हैं। इस बार जबलपुर से पूज्य दीदी प्राची देवी हमारे बीच आई हुई हैं और बहुत ही श्रद्धा पूर्वक लोग इस कथा को सुनने के लिए आ रहे हैं। पितृपक्ष में भागवत कथा का बहुत ही विशेष महत्व है, इसलिए हमारी संस्था लोगों के श्रद्धा भाव को देखते हुए हर्षवर करती है और आगे भी जीवन सागर सेवा समिति इस तरह के आयोजन करती रहेगी, समाज में कार्य करती रहेगी, ऐसा हमें अपेक्षा है। मैं राम कुमार बंसल, वाइस चेयरमैन यहाँ सागर जीवन सागर समिति, जो कि हमारा अपना एक बहुत सुंदर कार्यक्रम, हर अमावस्या को भंडारे का आयोजन किया जाता है, जो कि सब लोग इस भारतवर्ष में एक पितृपक्ष के रूप में अमावस्या को मनाते हैं, उसी संदर्भ में हम भंडारे का आयोजन करते हैं और तकरीबन 4 से 5 हज़ार व्यक्तियों के लिए हमारी महिला बहनें
उसका वितरण करती हैं। सुंदरकांड का पाठ होता है, हर प्रकार हम जो भी समाज की सेवा करना चाहते हैं वो करते हैं। इसी संदर्भ में हर साल हम राम कथा और अपनी भागवत कथा का आयोजन करते हैं। इस बार प्राची देवी जी के माध्यम से कथा ज्ञान यज्ञ का प्रसारण किया जा रहा है, जो कि YouTube पर भी प्रसारित किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक निवासी इस चीज़ का लाभ उठाएं और अपने पितृपक्ष में अपने पितरों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। जय भारत, जय कृष्णा। रवि गोयल, सेक्टर 24 में ही रहता हूँ। ये जो इस समय हमारे बाबूसा प्रांगण के अंदर श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, इसका कराने का उद्देश्य यही है कि पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने से पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। हम पांचवी कथा ये लगातार कर रहे हैं, पिछले 4 साल से हम राम कथा करा रहे थे और इस बार हमने निर्णय लिया, हमारी संस्था ने निर्णय लिया कि हम श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करें। काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और जिसके कारण लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। मैं दीपक बंसल, चेयरमैन जीवन सागर सेवा समिति, आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। हमारी संस्था गौ सेवा करवाती है, भंडारा मासिक अमावस्या भंडारा लगाती है, चिकित्सालय चलाती है, डिस्पेंसरी चलाती है और हर वर्ष हम राम कथा और भागवत कथा का आयोजन करते हैं और आगे भी हर काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। ये 9 दिन की भागवत है हमारी, 9 दिन तक कथा चलेगी और अंतिम दिन अमावस्या के दिन भंडारा रहेगा। मेरा नाम अनिल बंसल है, जीवन सागर सेवा समिति का वाइस चेयरमैन हूँ। आज का कार्यक्रम भागवत कथा चल रही है और ये 19 सितंबर से स्टार्ट हुई है और 28 सितंबर को हमारा हवन है और भंडारा है। और हमारी संस्था एक तो मासिक भंडारा लगाती है अमावस्या के दिन, गौ ग्रास की रिक्शाएँ चलती हैं, गरीब कन्याओं का विवाह और डिस्पेंसरी और फिजियोथेरेपी सेंटर और बुजुर्गों की सेवा और गाय का चारा तो करते ही रहते हैं, इकट्ठा वो तो चलता ही रहता है। मेरा नाम कुलभूषण गुलियानी है, जीवन सागर सेवा समिति की नीम जो है हमारे नरेश बंसल जी ने रखी और इस पौधे को उन्होंने इतने सुंदर तरीके से सींचा है कि आज ये छोटी सी टीम उनके माध्यम से इसको बहुत ऊपर तक लेकर जा रही है और हम अपने सभी टीम से यही उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस पौधे को उनको जो है आगे बढ़ाएं और उनके आशीर्वाद से इसको जो है इसी रूप से आगे चलाते रहें। मैं जीवन सागर सेवा समिति का एक सदस्य हूं, मेरा नाम सुनील कुमार है। जीवन सेवा समिति बहुत अच्छा कार्य कर रही है, हर साल राम कथा और भागवत कथा कराती हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सेक्टर 24 रोहनी में बहुत लोग आते हैं और भागवत कथा का आनंद लेते हैं और सबको आना चाहिए और भागवत कथा का आनंद लेना चाहिए। धन्यवाद। विजय गोयल, मैं पिछले 3 वर्षों से जीवन सागर सेवा समिति से जुड़ा हुआ हूँ। जीवन सागर सेवा समिति हर महीने अमावस को भंडारा लगाती है जिसमें कि 3 से 4 हज़ार लोग खाना खाते हैं और फिर हमारी एक गौशाला के उपलक्ष्य में रिक्शा भी चलती है। हम गरीब कन्याओं के विवाह में भी सेवा करते हैं और हर वर्ष की भांति हमारी भगवत कथा हो रही है। अभी ये 5वीं भागवत कथा है जिसमें कि रोज़ हजारों लोग आते हैं और कथा का आनंद लेते हैं। अब की बार कथा का प्रवचन करने जबलपुर से विश्व प्रख्यात दीदी प्राची जी आई हुई हैं, जिनके मुख से मतलब भागवत कथा का आनंद ही दुगना हो गया है।